सबको ये मैसेज आप भी उसको जानते हो चाचा से बोला रही है तो उसी के नाम की तारीफ है। कुछ पैसे में वो होते गया था परमेश्वर मुझे मिला था आदमी काम किया परमेश्वर धन्यवाद पिता जगह में गया था तो लोगों के पास खाने खाने के लिए पैसे नहीं जगह होगा धन्यवाद की तारीफ को हेलो दूसरे दिन जब पहले दिन गया तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही नाराज लगे थे मुझे क्या मेरा जी जान में घर पर आया और खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं तो काम पे जाने के लगे बोलते हम 12 बजे काम से आ जाएंगे और मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए फिर मैं थका हुआ ट्रेन से आया रात की ट्रेन से चला गया और जाके वहाँ पर सो गया और दुआ करने लगा। मैंने कहा तुम लोग जा रहे हो इन काम का भी सरकार मत करना था तो वो लोग काम करके जल्दी आ गए बिल्कुल बहुत जल्दी आ गए और मुझे बोलने लगे कि मुझे कुछ चीज़ मिल गई होगा तो लोगों ने काम कहा ठीक है मेरा चीज़ मिल गया तो बोले आप मैंने दुआ करना और जिस चीज़ मिली है वो मुझे बेच के मैं आपको खाना खिला सकती हूँ। तो उन्होंने लगा वो चीज़ बेची और मुझे उन्होंने खाना खुना खिलाया तो जब मेरा उनको जो पता क्या तो उनको इतना ज़्यादा कर्ज था कि वो हाथ ही लिए तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा कितना कर्ज है। बोलने लगे मेरे भांडे भूडे सब गिरी पड़े हुए उनके जो खाना बनाने के भांडे भी सब गिरे हुए भरे हुए थे और वो ढेर सारा कर्जा उनको था कहीं कबाड़ी का कर्जा था कोई चावल आने वाला का उनका राशन वाले का भी कर्जा था उनको दुआ की गई तो मैंने वो दुआ की मैंने कहा हर एक कर्जे में आजाद करूँ तो उनके दूसरे दिन वो सामान चीज को बेच कर घूम उसी कृपा से उन्होंने वो सारा कर्जा परमेश्वर आजाद किया उन लोगों और मुझे बोलने लगे कि आप एक परमेश्वर के दास का सामान बेच रहे परमेश्वर आगे घर में तो मैंने कहा मैं तुम परमेश्वर हो तो परमेश्वर का दास हूँ और मैंने आपके लिए दुआ किया परमेश्वर हर एक कर्जा आपको आजाद किया तो लोग मुझे बिल्कुल आने नहीं देते बोलते थे कि आप मेरे साथी रहो मुझे दुआ भरा नहीं हुआ। मैंने कहा आप विश्वास करो बस विश्वास करो प्रार्थना दुआ करो आपको हर एक परमेश्वर कर दिया और मुसीबत से आपको आजाद करेगा परमेश्वर। मैंने कहा आप विश्वास करो आप समझ अच्छा